10 फरवरी को मेरे को ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का अपना पौधा जो है ये मेरे को डिलीवर हुआ था। 10 फरवरी को मैं इसका सीड लगाया था। आप लोगों के मन में ये होता होगा कि ये कितने दिनों में आखिर अपना हिबिस्कस का जो होता है, मान लो हम लोग ये सोचते हैं गाइस कि कोई भी फ्लावर प्लांट लगा रहे हम लोग तो हम लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्लावर दे दे, अदरवाइज नर्सरी से प्रेफर परचेस करना हम लोग करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कितने दिन लगते हैं अगर इस फ्लावर प्लांट को अगर आप लोग लगाना चाहते हो अपने गार्डन पे तो कितना टाइम लगता है और कितने दिन लगते हैं इसको फूल आने में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा प्रूफ, ये इसमें फूल आ गए हैं गाइस, आपको यकीन हो रहा होगा इसमें फूल आ गए और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो 10 फरवरी याद करना, 10 फरवरी को मेरे को इसका सीड डिलीवर हुआ था। आज कितना है गाइस, 5 अप्रैल गाइस, ठीक है। तो 5 अप्रैल 6 अप्रैल को मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो ये हिबिस्कस जो है अपना, ये तो आप लोग देख रहे हो ये रेड लेडी पपाया है, बहुत ही महंगा आता है गाइस, तो वो मैं लगा दूंगा उसको। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो अपना चाइना रोज, इसको बोलते हैं चाइना रोज, हिबिस्कस, गुडेल जो भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे इसके काफी सारे टहनी आ रहे हैं और ये मतलब आप कह लो तो 2 महीने भी हुआ भी नहीं है सीड लगाए हुए, 2 महीने भी नहीं हुए अभी और यहाँ पे ये पौधे में बर्ड्स आने लगे। और ये आप लोग अपने आंखों के सामने देखो गाइस, ये बर्ड्स हैं, आप लोग अच्छे से शायद नहीं देख पा रहे होंगे बट ये आपकी आंखों के सामने आप लोग देखो, ये देखो बर्ड्स आ रहे हैं ना गाइस। अब ये सारे में थोड़े थोड़े आ रहे हैं करके सब में, ठीक है। अब चलो मैं आपको अपने छत पे लेके चलता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसा और क्या सीन है इसका। छत पे लगाया गाइस, और छत पे लगाया मैंने, तो यहाँ पे बर्ड्स, इसमें भी आ रहे बर्ड्स, गॉड फरमाओ गाइस, देखो इसमें चींटियां बहुत ज्यादा लग रहा है, बर्ड्स तो आ रहे सब में बर्ड्स आ रहे बट मैं ये क्लियर नहीं दिखा पा रहा आप लोगों को, लेकिन ये देखो आप लोग, ठीक है, इसको देखो आप लोग देख रहे हो, ये जो है इसमें बर्ड्स आ रहे हैं। और आप लोग गाइस कोई भी फ्लावर प्लांट बाई करते हो और आप लोग सोचते हो कि गाइस मैंने देसी जुगाड़ से लगाया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप भी लगा सकते हो ऐसे ही, कोई पॉली बैग नहीं है, और डब्बा है कट करके इसको लगाया मैंने, और वैसे तो मैं इसको रीप्लांट कर दूंगा इसमें या फिर इसमें रहने दो, आप लोग बताना कमेंट में। तो 2 महीने के अंदर ऐसा फ्लावर प्लांट, देखो टहनी कितना ज्यादा निकल रहा है इसके, और बर्ड्स भी आ रहे हैं, इसका बर्ड्स भी आ रहे हैं देखो, यस छोटे छोटे गाइस जो दिख रहे हैं ब्लैक टाइप से। तो ये सब में कितना भी छोटा पौधा, अभी आप लोग देखोगे ना, देखो इतना कितना बड़ा होगा आप सोच रहे होंगे, देखो गाइस समथिंग 6-7 इंच अपने आंखों से देखो, ये तो मैंने गोबर के खाद में लगाया है जो घर का अपना होता है, बस यही है गाइस। तो 2 महीने में अभी इसको मैं फ्लावर को तोड़ूं या क्या करूं मेरे को आप बताना, मेरे को चाइना रोज है बहुत ही मस्त है, आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आपके ऊपर, आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप लोग परचेस कर सकते हो, इसका डिटेल मैं जो भी है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और इधर आपको डिस्प्ले पे भी शो हो जाएगा, जो भी है शो हो रहा भी होगा कहीं भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग परचेस कर सकते हो और 2 महीने में फ्लावर्स मिल जाएंगे भाई, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम नर्सरी क्यों जाए और इतने सस्ते में इतना ज़्यादा पौधा हम लोग बाई कर सकते हैं, हालांकि ये 250 रुपये का पड़ता है, 250 में 20 सीड, मतलब 20 सीड्स जनरेट तो हो जाएंगे, अब आपके रक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीड्स एक्चुअली टोटल 20 ही दे रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा ही देंगे, बस यही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, जानकारी के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।